नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबे। निफ्टी व्यू 29 अप्रैल 2021 वीकली और मंथली एक्सपायरी बहुत ही बढ़िया आपको मिला। हमारा टारगेट था करीब 14,788, वो अचीव हो चुका, उसके ऊपर ही क्लोज मिला। अब जो हाई है और ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। कल FNO एक्सपायरी है, स्ट्रेच शॉर्ट कवरिंग और आ सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो 15,000 भी पॉसिबल है, लेकिन 15,000 के ऊपर मुझे नजर नहीं आता। फिलहाल वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये बात तो पक्की है। चलो इंटरनल देखें, निफ्टी का इंटरनल क्या है। जब निफ्टी का इंटरनल देखता हूँ तो बहुत ही स्ट्रेच हुआ है। यहाँ पर देखा जाता है तो 14,700 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और जब तक ये सपोर्ट बरकरार है तब तक निफ्टी ऊपर है। डिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए, सिंपल। लेकिन 15,000 पॉसिबल है, अगर 15,000 के आसपास खुलता है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है ट्रेडिंग में, ये बात तो पक्की। लेकिन सोफा ट्रेंड ठीक है। निफ्टी बैंक का क्या हाल है देखें। निफ्टी बैंक देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, उसके आसपास ही खुला, थोड़ा और ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 44,800 के आसपास। अगर वहीं का खुला और नीचे आता है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, गैप अप हो सकता है। अगर गैप अप नहीं होता है तो अच्छी बात है। निफ्टी बैंक इंटरनल देखें, निफ्टी बैंक इंटरनल का हाल क्या है। बहुत ही बढ़िया अप मूव मिला, सेकेंड अप मूव मिला, स्ट्रेस्ड है। यहाँ पर देखा जाए तो 33,200 का ये जोन है, ये इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, गैप डाउन खुलता है तो एक बाइंग मौका मिलता है, शॉर्ट कवरिंग का हो सकता है। अगर गैप अप होता है तो दिक्कत आ सकती है, ये बात तो पक्की है। FNO एक्सपायरी है, इसका ध्यान देना चाहिए। वैसे ट्रेंड कहाँ रहेगा वो तो मंडे के बाद बता देंगे, उसके बाद देखेंगे, तब तक तो ट्रेड करो। अपने पॉइंट्स होना चाहिए सही, अगर पॉइंट्स मार्क सही हो तो ट्रेडिंग ईजी हो जाती है, क्योंकि भाव बगोड़ा।